हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ रॉड। ओके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू रॉड पढ़ने से पहले हमको दो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, ओके लैम्डा, पहला ये था। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, that is equal to E is equal to 1 upon 4 by epsilon 0 q by r square, ठीक है, where electric field intensity due to q charge हम लोग r distance में निकल रहे हैं, p point में, ठीक है, दो concept है, already हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर के lectures में, starting के lectures में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारा concept है electric field intensity due to a rod। अब ये rod के ऊपर charge दिया है हम लोगों ने, plus q charge दिया हुआ है, ओके, और रॉड का लेंथ है कैपिटल एल। अब ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, हम लोगों को उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, रॉड को, रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करेंगे जिसका लेंथ है डीएल, जिसका लेंथ कितना है डीएल, वो छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करेंगे रॉड के ऊपर, एज गुड एज पॉइंट चार्ज जैसा, पॉइंट चार्ज एकदम छोटा सा, ठीक है, लेकिन उसका लेंथ कितना है dl। नाउ चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी इस रॉड की कितनी है, q by l, ओके। नाउ चार्ज ऑन एलिमेंट dl दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, फॉर्मूला मालूम है सबको, चार्ज निकालने के लिए दैट इज, क्योंकि चार्ज क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। अब इसका लेंथ तो dl है और चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है लैम्डा, दैट इज q बाय l dl, दैट इज dq, छोटा सा चार्ज होगा इसके ऊपर dq, कितना रहेगा वो dq का वैल्यू, q बाय l dl। नाउ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू dq That is equal to 1 by 4 pi epsilon 0, चार्ज कितना है dq, डिस्टेंस लेट अस से ये वाला डिस्टेंस है x, तो dq by x पर, या फिर स्मॉल l कंसिडर करेंगे, स्मॉल l dq by स्मॉल l square, क्योंकि dl कंसिडर किया ना, तो लेंथ लेट अस से स्मॉल l square, ठीक है। So this small intensity dE is equal to 1 by 4 pi epsilon 0, dq का वैल्यू कितना है, q by l dl upon l square, ठीक है। Now total electric intensity, अब ये इतने से चार्ज ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनाया था, लेकिन चार्ज तो यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो रहे, तो टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सारे जो छोटी छोटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज बनी है इसके वजह से, उन सभी का क्या करना है, इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन में पहले चार्ज की शुरुआत कहां से हो रही है, यहां से, और ये वाला डिस्टेंस है लेट अस से स्मॉल a, तो स्मॉल a हो गया पहला लिमिट, चार्ज से पहला कितना है स्मॉल a, और आखिरी वाला चार्ज यहां खत्म हो रहा है, उसका लेंथ कितना है a प्लस l, a प्लस कैपिटल l, लिमिट समझे, वापस एक्सप्लेन करूंगा। अब ये l स्मॉल l लेंथ पे था, लेकिन हमको तो पूरे रॉड की वजह से निकालना है ना, तो रॉड की वजह से निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सारे dE का लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में पहला चार्ज इधर चालू हुआ था एट अ डिस्टेंस स्मॉल a, तो लोअर लिमिट हो गया स्मॉल a, और आखिरी चार्ज यहां खत्म हुआ एट अ डिस्टेंस a प्लस कैपिटल l पे, समझ गए। तो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय l dl अपॉन l स्क्वायर। अब देखो ये सब तो कांस्टेंट है सारा इंटीग्रेशन के बाहर, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q by capital L, dl by L का इंटीग्रेशन होता है minus 1 by L from a to a plus L, ठीक है। सब्स्टिट्यूट किए लिमिट्स तो हमको क्या पता चलेगा, 1 by 4 pi epsilon 0 q by L या आ जाएगा 1 by a minus 1 by a plus L, ठीक है। इसको अगर सॉल्व किया हम लोगों ने तो a is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by L या आ जाएगा a प्लस एल माइनस a, a इंटू ए प्लस एल, कैंसल, एल और एल कैंसल,
So electric field intensity is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q upon a into a plus l. So most important formula is note down karna hai. What is electric field intensity due to a rod having length capital L, charge capital Q at a point situated at a distance small a from one of its end, formula 1 by 4 pi epsilon 0 capital Q upon a into a plus capital L. Ye ho gaya charge on rod, ye ho gaya length of rod, ye ho gaya distance of point from one end of the rod, koi bhi ek end se. Okay, so this was the concept of electric intensity due to a rod.